तो दोस्तों कैसे आप सभी, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपका पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में भैया इंदौरी में। दोस्तों आज हम आपको लेके आए एक बहुत ही बढ़िया जगह जहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया वड़ा पाव। आपने बहुत सारी जगह इंदौर में वड़ा पाव खाए होंगे और बाहर भी बहुत सारी जगह वड़ा पाव खाए होंगे, पर आज हम आपको लेके आए, इसके बारे में हमने सुना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलता है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट करेंगे वड़ा पाव और आपको बताएंगे कि कैसा है। और सबसे मेन बात है, यहाँ पे जो वड़ा पाव का स्टॉल है वो चलाया जा रहा है एक मदर और डॉटर द्वारा, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत ही अच्छी बात है। तो उनसे बात भी करेंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा मिलता है यहाँ पे वड़ा पाव। तो आंटी जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया आंटी जी। तो पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है श्वेता। अच्छा। तो आंटी जी आपको इंदौर में वड़ा पाव स्टार्ट करने का आइडिया कैसे, मतलब कैसा है, और प्रॉपर आप कहाँ से? मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से, इसलिए आपका नाम, मतलब स्टॉल का नाम है मुंबई का फेमस वड़ा पाव। मन में मेरे मतलब बस ऐसे ही घर पे बैठे रहे तो यहाँ पे कुछ वड़ा पाव का वगैरह नहीं मिल रहा है। हाँ, इंदौर में बहुत ज़्यादा बहुत कम जगह है जहाँ पे वड़ा पाव, और मुंबई वाला टेस्ट तो कहीं नहीं मिलता है। मैं मुंबई में वैसे 2-3 महीने रह कर आया था, तो मेरे को वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, पर इंदौर में वैसा तो नहीं मिला है। तो हमारे मन में आया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। बिल्कुल। तो ट्राई किया तो स्टार्टिंग से ही पहले दिन से रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला। अच्छा, एकदम बढ़िया रिस्पांस मिला, तो तब से अच्छा से चल रहा है। तो आंटी अभी कौन कौन से आपने वैरायटी के, मतलब वड़ा पाव, इसमें वड़ा पाव में वैरायटीज है हमारे यहाँ, एक सिंपल वड़ा पाव, ठीक है, एक मेयोनीज वड़ा पाव, एक चीज़ वड़ा पाव, एक चीज़ विद मेयोनीज वड़ा पाव, ओके, और आलू की भजिया, प्याज की भजिया, ब्रेड वड़ा और मिर्च वड़ा, प्याज की भजिया, महाराष्ट्रियन प्याज। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों बहुत सारा, मतलब मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे मेन तो करने वाले वड़ा पाव टेस्ट जो नॉर्मल वाला है, फिर उसके बाद करेंगे चीज़ वाला और आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ के जो एड्रेस है वो है ऊषागंज में आएंगे आप, छावनी में है, जो वहाँ पे वैभव चैम्बर है उसके जस्ट सामने आपको ये स्टॉल दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बन रहा है चीज़ बस्ट वड़ा पाव, चीज़ आ गया बीच में और बढ़िया से उसको राउंड करेंगे और फिर बेसन में अच्छे से मिला के उसको फ्राई करेंगे। दोस्तों लेते हैं बस और फिर दोनों को करेंगे टेस्ट साथ में और आपको बताएंगे कैसा है। तो दोस्तों वड़ा पाव की मेकिंग हो चुकी है स्टार्ट और आ गई हरी चटनी। ये काई काई की रहती है हरी चटनी? हरी चटनी एक्चुअली रहती है, इसमें पुदीना रहता है, ओके, और धनिया रहता है, मिर्ची रहती है, लहसुन और जिंजर रहता है। और ये क्या चीज़ है जो आप, ये पाउडर, ये जो है ये बॉम्बे की खास चटनी है। अच्छा अच्छा। इसको लहसुन की चटनी बोलते हैं। ओके ओके, लहसुन की चटनी। और ये वड़ा आ गया है मुंबई का फेमस वड़ा पाव। तो दोस्तों आ गए हैं दोनों वड़ा पाव, चीज़ वड़ा पाव भी आ गया है और नॉर्मल वाला भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये पाव वड़ा है और इसके अंदर चटनी के साथ पाव है, और ये है चीज़ वड़ा पाव मायोनीज़ और चीज़ के अंदर, ये वड़ा है उसके अंदर भी चीज़ है। तो आप करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं दोनों कैसा है। तो पहले करेंगे नॉर्मल वाला, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल वड़ा पाव होता है, मुंबई का फेमस वड़ा पाव। मिर्ची खाना तो बनती है, गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत बढ़िया, मतलब प्रॉपर आपको एक
मुंबई में जो वड़ा पाव मिलता है ना वैसा ही टेस्ट मिलेगा। और अब करेंगे चीज़ वाला, जो एक अलग वड़ा पाव है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा वड़ा पाव है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बर्गर को फेल कर रहा है, बोल सकते देसी बर्गर है, बहुत ज़्यादा यम्मी। तो अभी खा लेता हूँ फिर लास्ट में अभी मिलते हैं। तो सचिन कैसा लगा वड़ा पाव भाई? बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छा है ना, पक्का आ सकते आप टेस्ट करिए। कैसा है? बहुत मस्त। बारिश में खाने की मजा तो ज़्यादा। तो दोस्तों बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और बारिश में प्याज के पकोड़े गर्मा गर्म बन रहे, और इसको करेंगे अभी, खाएंगे और टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे। वैसे बारिश में प्याज के पकौड़े अच्छे ही लगते हैं। तो भैया कैसा लगता है आपको यहाँ का वड़ा पाव? बढ़िया लगता है, बढ़िया बढ़िया टेस्टी है, पक्का एकदम आना चाहिए सबको एकदम। तो अभी क्या खा रहे थे जो ख़त्म हो चुका है? प्याज भजी। अच्छा प्याज भजी जो हमने भी लिए बारिश के कारण, ये देखिए हमने भी लिया। हो रही है बारिश, ये देखिए अब करेंगे प्याज के भजिए टेस्ट। तो दोस्तों हो रही थी बारिश और ले लिए भजिए, ये देखिए वो भी प्याज के। अब इसको करते हैं टेस्ट चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मज़ा आ गया। और बारिश ने तो उसमें चार चांद लगा दिए। और अभी आलू के भजिए टेस्ट करना बाकी है, तो वो भी टेस्ट करके बताते हैं। ये देखिए तो दोस्तों आ गए अपने आलू के भजिए, और खाऊंगा उसके बाद बताता हूँ। सब आइटम की तरह ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।